फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो सीबीएसई की तरफ से निकल के आ रही है। सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 के असेसमेंट स्कीम को चेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई ने 2021 टू 2022 सेशन के लिए एकेडमिक सेशन को दो भागों में डिवाइड कर दिया 50-50%। तो आइए क्या है जानते हैं इस वीडियो में। अब क्या जो 10वीं 12वीं के लिए नई स्कीम असेसमेंट स्कीम सीबीएसई ने इस साल के एकेडमिक सेशन को दो हिस्सों में बांटा। नवंबर दिसंबर में पहले, मार्च अप्रैल में दूसरे टर्म के एग्ज़ाम होंगे। मतलब पहले बस एक बार बोर्ड एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब क्या है, अब दो पार्ट में होगा, टर्म वन टर्म टू करके। इसका मेन 5 बड़ा बात क्या है इस असेसमेंट का 5 बड़ा बात क्या है? तो देखिए, हर टर्म में 50% सिलेबस कवर होगा। बोर्ड पेपर तैयार करके स्कूल को भेजेगा। दोनों टर्म का जो पेपर है वो बोर्ड ही भेजेगा स्कूल को। उसके बाद तीसरा क्या, टर्म एग्ज़ाम 90 मिनट की अवधि के होंगे। मतलब मात्र 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। पहले 180 मिनट का 3 आवर्स का होता था, अब 1.5 आवर्स का होगा। दोनों टर्म के नंबर से मार्कशीट तैयार होगी, लेकिन मार्कशीट जो बनेगा ओरिजिनल फाइनल मार्कशीट, वो दोनों टर्म के जो एग्ज़ाम है उसका एवरेज निकाल कर इसका नोटिफिकेशन इस महीने आएगा। उसका इधर देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, सीबीएसई ने 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं दो बार कराई जाएंगी। दो बार सीबीएसई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में बताया कि 21-22 के एकेडमिक सेशन को दो टर्म में बांटा है। हर टर्म में 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर दिसंबर और दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी। ये टर्म एग्ज़ाम 90 मिनट के होंगे। इसका नोटिफिकेशन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। दोनों टर्म के आधार पर मार्कशीट तैयार होगी, ये तो हमने आपको बता ही दिया उसका जो है दोनों टर्म के आधार पर। यहाँ पर इसके साथ क्या है, इसके साथ ही 9वीं 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट पूरे साल टर्म वन टर्म टू के बावजूद 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होगा। स्टूडेंट एनरिचमेंट पोर्टफोलियो होगा। प्रैक्टिकल वर्क, बोलने और सुनने की एक्टिविटी शामिल होगी। 11वीं 12वीं के इंटरनल असेसमेंट साल भर में टर्म वन टर्म टू अवधि के अलावा टॉपिक एंड यूनिट टेस्ट, रिसर्च एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क शामिल किए जाएंगे। आखिर ये फैसला सीबीएसई ने क्यों लिया? तो ये फैसला सीबीएसई ने कोरोना के कारण लिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ, कोरोना के कारण फैसला। सीबीएसई ने स्कूलों को स्टूडेंट की प्रोफाइल तैयार करने को भी कहा। स्कूल साल भर में किए गए सभी असेसमेंट के लिए स्टूडेंट की प्रोफाइल तैयार करेंगे, उसका डिजिटल फॉर्मेट बनाएंगे। बोर्ड ने कहा, जब तक स्कूल में व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की अनुमति नहीं देते, तब तक स्कूल डिस्टेंस मोड में पढ़ाना जारी रखें, मतलब ऑनलाइन ही। सीबीएसई ने कोरोना महामारी को देखते हुए फैसला लिया। 2022 की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा योजनाओं के बारे में सीबीएसई ने कहा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को और ज़्यादा भरोसेमंद और वैलिड बनाने की कोशिश जारी रहेगी। इससे पहले बोर्ड ने इस साल होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।